फाइनली अभी हम जा रहे हैं इमरान सुपर मार्केट, क्योंकि अभी मैंने शावर लिया और चेंज किया और आज जुम्मे का दिन है। बस इमरान सुपर मार्केट जाके फ़ौरन आना, मुझे कुछ सामान लेना। लेट्स गो। आज का व्लॉग क्या है? आज के व्लॉग में हम इमरान सुपर मार्केट से क्या लेने जा रहे हैं? तो हम सबसे पहले पहुँचे हैं तारिक रोड कराची में, जो कि इम्तियाज़ सुपर मार्केट है। हम वहाँ पहुँचे और आज हमने सबसे पहले यहाँ ये देखा, क्योंकि इम्तियाज़ सुपर मार्केट में शॉपिंग करते वक्त जो है वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं होती, तो हमने सोचा क्यों ना पोर्ट्रेट के ज़रिए बना ली जाए, क्योंकि लैंडस्केप में बनाते हुए कई बार रुक दिया जाता है, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो हमने सोचा सबसे पहले हम इस वीडियो को पोर्ट्रेट में किसी को शो नहीं होता, तो हम चले सबसे पहले सुपर मार्केट के लिए। और मैं इसको जा रहा था जैसे बात करूँ ग्रोसरी लेनी है, चले हम दस सुपर मार्केट में चलते हैं, देखते हैं यहाँ वीडियो बनाने की बात चलती है या नहीं। तो हम अब आ गए इंडिया सुपर मार्केट के अंदर। ये है अंदर जाने का रास्ता और ये आप देखें इंडिया सुपर मार्केट है। और इंडिया सुपर मार्केट में आप जो दाखिल हुए हैं, तो यहाँ हम लोग लेने आए थे ग्रोसरी। तो हमने सोचा सबसे पहले हम ग्रोसरी लेते हैं, कुछ सामान वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि आगे जो है प्रॉब्लम भी हो सकती है। अभी ईद का भी मौका है, तो क्यों ना हमें इससे पहले ही ग्रोसरी वगैरह ले ली जाए। सबसे पहले हम गए बेसमेंट के अंदर। ये देखें हम लिफ्ट के अंदर जा कर रहे थे और जैसे ही लिफ्ट आई तो हम लिफ्ट के ज़रिए हम नीचे की तरफ गए। और ये मैं लिफ्ट का इंतज़ार कर रहा था। इसके बाद हम गए लिफ्ट के अंदर। लिफ्ट में जाने के बाद हम गए बेसमेंट में इम्तियाज़ सुपर मार्केट के अंदर। वहाँ से हमने ख़रीदी ग्रॉसरी। ओके, देखें हम जा रहे हैं नीचे। तो फाइनली हम नीचे पहुंच गए और यहाँ से निकले हम बंद। तो हम गए सबसे पहले नीचे की तरफ बेसमेंट में। यार हम इसलिए गए कि एक तो ग्रोसरी लेनी थी और फिर थोड़ा रमज़ान है तो जल्दी जल्दी शॉपिंग भी करनी थी और नमाज़ का टाइम भी हो रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना सबसे पहले शॉपिंग कर ली जाए, जो कि अहम अहम सामान होता है घर के लिए। तो हम सबसे पहले बेसमेंट के अंदर गए और वहाँ जो कि ग्रोसरी है, कुछ सामान है, वो हमने लिया। लेकिन यार एक बात है, हम अगर शॉपिंग करने जाते भी हैं तो उसके लिए सबसे पहले दिमाग बनाना पड़ता है कि हमें क्या क्या लेना है। तो इसलिए सबसे बेहतर ये होता है कि हमें कुछ ना कुछ लिख के ही जाना चाहिए। हमारे पास कुछ ना कुछ स्लिप पर लिखा होना चाहिए, उसमें हमें आसानी होती है। बहुत वक्त ऐसा होता है कि हम अनशन ले जाते हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैंने ये गलती की कि मेरे पास कोई स्लिप मौजूद नहीं थी और मैं डायरेक्ट ही पहुँच गया अपनी स्लिप लेकर, वो भी दिमाग वाली लिखी हुई नहीं, और मैं पहुँचा इम्तियाज़ सुपर मार्केट में अपना सामान लेने के लिए। फिर हम सबसे पहले बेसमेंट में गए, वहाँ से मैंने लिया सामान। उसके बाद सामान लेने के बाद मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग बना लिया जाए। ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, यहाँ मैं सामान नहीं ले रहा था, लेकिन मैं इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने की गर्ज़ से ही इंटर हुआ था, क्योंकि मैंने जो है आप लोगों की खातिर वीडियो बनानी थी, क्योंकि मैं ग्रोसरी का सामान जो है पहले ही ले चुका था। और ये जो मेरे साथ एक ट्रॉली है, ये मेरे दोस्त मेरे साथ थे जो कि ट्रॉली चला रहे थे, उनका सामान था, क्योंकि मैं अपनी शॉपिंग कंप्लीट पहले ही कर चुका था। इसके बाद हम गए बेसमेंट में, क्योंकि इम्तियाज़ सुपर मार्केट में मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप जो है कॉस्मेटिक है या ज्वेलरी वगैरह है या ऑप्टिक्स है, ये जो ऑप्टिकल वगैरह है, ये जितने भी आइटम्स हैं इसकी शॉप क्लोज है, आपको इसकी इजाज़त नहीं है, ये आप नहीं ले सकते। इसलिए मैंने सोचा सिर्फ ग्रोसरी ली जाए जो कि आसानी से मिल जाती है। तो हमने सबसे पहले ली ग्रोसरी। ग्रोसरी लेने के बाद हम आए कोल्ड ड्रिंक की तरफ। फिर हम ले लिए कोल्ड ड्रिंक। ये आप देख रहे हैं ये कोल्ड ड्रिंक सारी जो है हर तरह की इसमें कोल्ड ड्रिंक मौजूद है। इसके बाद हमने कोल्ड ड्रिंक ली। कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद हम गए बाहर की तरफ। फिर आ गए हम इस तरफ जहाँ प्लास्टिक आइटम मौजूद होते हैं। हमने सबसे पहले कुछ प्लास्टिक के आइटम लिए जो कि मेरे दोस्त थे उनको चाहिए थे और उन्होंने वो लिया। उसके लेने के बाद हम गए आगे की तरफ, जैसे कि आप देख रहे हैं। फाइनली हम प्लास्टिक आइटम लेने के बाद हम आगे की तरफ गए और वहाँ से हमने कुछ आइटम लिया घर के सामान जो कि खाने पीने का होता है। वो सामान लेने के बाद हम गए कैश काउंटर की तरफ, क्योंकि कैश काउंटर की तरफ जाने के बाद हमें इसलिए भी जल्दी थी कि नमाज ज़ोहर का वक्त हो गया था और नमाज ज़ोहर भी अदा करनी थी, और इसलिए हमें जल्दी भी हो रही थी।
ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि अब जो इम्तियाज़ सुपरमार्केट का टाइमिंग जो कि आपने थंबनेल पे देखा है हमारे, और वही मैं बाबा आपको बताना चाहता हूँ, इम्तियाज़ सुपरमार्केट का जो टाइमिंग है वो सुबह 6 से शाम 6 बजे तक मंडे थर्सडे एंड सैटरडे का हो गया, बाकी दिन क्लोज होगा इम्तियाज़ सुपरमार्केट। इसलिए मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ जो कि आपने थंबनेल में हमारे देखी थी कि इम्तियाज़ सुपरमार्केट का अब जो टाइमिंग होगा वो सुबह 6 से शाम 6 बजे तक मंडे थर्सडे और सैटरडे, यानी पी जुमेरात और हफ्ते के दिन इम्तियाज़ सुपरमार्केट सुबह 6 से शाम 6 बजे तक शॉपिंग के लिए खुला होगा, इसके अलावा बंद होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से हम जो है कैश काउंटर की तरफ जा रहे थे। तो ये आप ये पूरी कम्प्लीटली हमारी ये वीडियो देखें, और वीडियो को पसंद आने के बाद आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और जिन्होंने हमारे चैनल प्योर रूलर को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद ये देखें कि हमने ये सामान ख़रीदने के बाद अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, यानी कि कैश काउंटर की तरफ जो कि फर्स्ट फ्लोर पर है, फर्स्ट फ्लोर से ऊपर, और हम उस तरफ जा रहे हैं। और ये जैसे देखें ये ऑयल डिपार्टमेंट है, ये सारा ऑयल का डिपार्टमेंट होता है इस जगह पे। जैसे कि हम ऑयल डिपार्टमेंट की तरफ आ गए, और ये ऑयल डिपार्टमेंट आ गया। ये ऑयल डिपार्टमेंट से पहले ये आपको मसाला जात वगैरह जो होता है ये वो मिलेंगे, इसका डिपार्टमेंट, इसके बाद आगे जाएंगे ना ऑयल डिपार्टमेंट आ जाएगा। तो ये पूरा आइटम इम्तियाज़ सुपर मार्केट ताज रोड की ब्रांच में मौजूद है, लेकिन मैंने आपको जो टाइमिंग बताई वो टाइमिंग आप देख सकते हैं जो वहाँ पे भी मेंशन हो गई है, और मैंने भी जो बताया वो एक्यूरेट सही है। ये आ गया ऑयल डिपार्ट जहाँ पे ऑयल वगैरह की चीज़ें मौजूद होती हैं। इसके बाद हम गए आगे की तरफ ये ऑयल डिपार्टमेंट के बाद, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि आप जो है ये जहन में रखें कि इम्तियाज़ अब बंद होगा मुकम्मल तौर पर, सिर्फ और सिर्फ जो डेज मैंने आपको बताया, इसके अलावा कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि हम जो जाएंगे और किसी भी तरह जाकर हम सामान ख़रीद लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इम्तियाज़ सुपरमार्केट का जो टाइमिंग है और जो डेज बताएं सिर्फ इसी में जाइएगा, इसके अलावा जाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। और ये पूरे पाकिस्तान के लिए, ये सिर्फ कराची में या सिर्फ तारिक रोड की ब्रांच का नहीं, पूरे पाकिस्तान की ब्रांचेस के लिए ये टाइमिंग बताया गया है कि सुबह 6 से शाम 6 बजे तक का है, और मंडे थर्सडे एंड सैटरडे जो डेज बताएं इसी डेज में इम्तियाज़ सुपरमार्केट का जो ये स्टोर है, मेगा स्टोर हो गया, बैरिया टाउन का हो गया, जो भी है एक्स वाई जेड, ये स्टोर खुले रहेंगे जो डेज मैंने आपको बताया, इसके अलावा ये क्लोज रहेंगे, बंद रहेंगे हर तरह की शॉपिंग के लिए। तो ये देखें अब हम फाइनली सारा सामान ख़रीदने के बाद, सारी चीज़ें लेने के बाद हम जा रहे हैं, ये हम इस वक्त ले रहे हैं खजूर जो कि तमूर खजूर, इस वक्त हम ख़रीद रहे हैं क्योंकि रमज़ान का महीना है, तो वो भी लेना ज़रूरी थी, हमने सोचा कि खजूर ले ली जाए, तो हम खजूर ले रहे हैं। और खजूर लेने के बाद अब हम फाइनली सामान कम्प्लीट लेने के बाद अब हम जाएँगे ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर जाएँगे और सारा सामान हम कैश काउंटर पर देकर वहाँ से स्लिप लेकर घर के लिए रवाना होंगे। वीडियो को लाइक किया कर दिया करें आप लोग, कमेंट्स कर दिया करें, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दिया करें, और जो बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें, और लाजमी वीडियो को शेयर कर दिया करें। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके शेयर करने से और दूसरे लोगों को देखने में आसानी हो जाती है। ये रू अफ़ा और दीगर जो मशरूब यहाँ मौजूद है, देख रहे हैं आप तमाम मशरूब इसमें मौजूद हैं, जैसा कि ये देख रहे हैं आप कि वो तमाम मसाले मौजूद हैं, जैसे शान का मसाला है, मेहरान का मसाला है, और दीगर मसाले ये जो होते हैं जो घर में इस्तेमाल होते हैं, ये तमाम मसाले इस जगह पर मौजूद हैं। और ये तमाम मसाले मुझे तो लेने ही मिलते क्योंकि मैं इससे पहले ले जा चुका हूँ, ये तमाम मसाले जार हमने लिए। इसके बाद हमारे पास फ्रूट लेने लिए, ये देखिए वाटरमेलन है, और इसके अलावा ये दीगर मौजूद है, बनाना है और एप्पल है, ये तमाम मौजूद है वहाँ पर, क्योंकि मुझे इस खाली वाटर मेलन लेना था, तो मैंने वो लेने के बाद उसकी वीडियोस मैंने बनाने की, वो बनाकर हम जाएंगे अब कैश काउंटर।
फाइनली यहाँ देख रहे हैं कि हम म्यूज़ियम इस वक्त मौजूद हैं फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है, जैसे घुमा देता है। और ये तमाम वीडियोस कम्प्लीट देख रहे हैं, ये आपको टमाटर दिख रहे हैं टोमेटो। और इसके बाद आपको देखेंगे ब्लू ब्रांड जो टमाटर दे रहे हैं तमाम आपको देखने में दिख रहा हूँ। उसके बाद आपको हरवान बाहर के जो आइटम जो मक्खन वगैरह थे वो भी वहाँ रखे हुए हैं, आप देखेंगे हरा धनिया वगैरह था और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ बहुत शॉर्ट टाइम था, हमारे सोचा शॉर्ट टाइम में ही जल्द से वीडियो बना लीजिए। तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया मेरे चैनल, मेरे चैनल की वगैरह आपको ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद मेरी प्रयास और इसके साथ आगे भी मौजूद है, आगे अपने वहाँ से सारे आइटम मौजूद हैं जो हमने दिए उनके से मैंने तो बस मैं कहना चाहूँगा कि मेरी वीडियो पूरा कम्प्लीट देखिएगा, वीडियो देखने के बाद लाजमी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।